नमस्कार, मैं रितेश कुमार केसरी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। पवित्र गंगा बह रही है, इसको बहाने का काम करते रहेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार का खजाना उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण? निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टिकरण की राजनीति होगी, न किसी से कोई भेदभाव होगा। एटीएस ने जो खुलासा किया है, जो धर्मांतरण करने वाला एक गिरोह है, उस पर क्या एक्शन सरकार लेगी या ऐसे लोगों पे? जो एक्शन सरकार नहीं ले रही, कोई धर्मांतरण गुमराह करके करेगा, लालच दे करके करेगा, विदेशी पैसा लेकर के करेगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश कोई चारागाह नहीं कि यहाँ चढ़ते रहे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। यूपी की बंटवारा पर एक लाइन आपका लोग, मुझे तो मालूम नहीं है कोई बंटवारा हो रहा है, आपको कुछ मालूम है तो मैं नहीं जानता। और बात कर ले, बिजली अच्छी दे रहे तो क्यों त्रिस्तरीय चुनाव में आपका परिणाम अनुकूल नहीं है? हमारा परिणाम सबसे अच्छा था। ये विपक्ष जो झूठ बोलने का काम करता है, मुद्दाहीन है, ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी सीटें अधिक होंगी वो ज्यादा जीता है। विधान ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, जिसके ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनेंगे वो ज्यादा सीटें जीता होगा। ये झूठ बोल रहा है विरोधी मिलकर के, उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। केशव जी मुख्यमंत्री से कैसे संबंध है अभी? अरे जानदार संबंध है, माता निवासी मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छा।